हेलो फ्रेंड्स, मैं रितु व्यास, वेलकम टू माय चैनल यू वॉचिंग रितु दिशा रेसिपी। आज हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही आसान विधि से आप घर पर काजू करी किस तरह से बना सकते हैं। काजू करी को बनाना बहुत ही आसान होता है। इसके लिए हमें चाहिए आधा कप खसखस के दाने। खसखस के दाने को हम 15 मिनट के लिए अच्छे से भिगो के रखेंगे। सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिए प्याज, हरी मिर्च, अदरक के बाइट। अब हम सबसे पहले एक कढ़ाई में ऑयल या बटर का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले हम जीरे को फ्राई करेंगे। अब हम इसमें प्याज के बड़े बाइट को ऐड करेंगे। इसमें हम अदरक के बाइट को भी ऐड करेंगे। बड़ी साइज में हमने हरी मिर्ची को कट किया है, इसको भी ऐड करना है। हम इन सभी को लाइट फ्राई करेंगे। जब भी आप किसी ग्रेवी वाली सब्जी को बनाना चाहते हैं तो उससे पहले आप प्याज और हरी मिर्ची, अदरक, इनको आप पहले से लाइट कुक कीजिए, उसके बाद ही आप इसको ग्राइंड कीजिए। आप देख सकते हैं हमारा जो प्याज है वो लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसको ठंडा करके ग्राइंड करेंगे। हमारे खसखस के दाने अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, अब हम इनको ग्राइंड करेंगे। हमने एक कटोरी टोमेटो का पेस्ट कम्प्लीट किया है। हमने प्याज, हरी मिर्ची और अदरक का पेस्ट बनाया है। खसखस के दानों का भी एक पेस्ट बना के कम्प्लीट किया है। काजू करी बनाने के लिए हमने लिए हैं फ्रेश काजू। काजू की क्वांटिटी आप सब्जी के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। सबसे पहले हम ऑयल में फ्राई करेंगे प्याज का पेस्ट। प्याज, हरी मिर्ची, अदरक के पेस्ट को हम अच्छे से कुक करेंगे। इसमें हमने लहसुन को अवॉइड किया है। यदि आप लहसुन का फ्लेवर पसंद करते तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। प्याज के पेस्ट का कलर डार्क गोल्डन ब्राउन हो चुका है। प्याज के पेस्ट में से ऑयल अलग हो चुका है। अब हम इसमें ग्राइंड किए हुए टोमेटो का पेस्ट ऐड करेंगे। अब हम इसको मीडियम आंच पर अच्छे से कुक करेंगे। टोमेटो से सब्जी का टेस्ट लाजवाब हो जाता है। हमारे टोमेटो अच्छे से कुक हो चुके हैं। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले ऐड करेंगे। एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, दो चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर यूज़ करेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग एक चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करना है। सभी मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारी सब्जी की ग्रेवी में से ऑयल ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे खसखस के दानों का पेस्ट। पेस्ट को अच्छे से मिक्स करना है। इस तरह की रेसिपी देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। खसखस के दाने के पेस्ट को हम लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से कुक करेंगे। इस तरह की सब्जी में आप मसालों का यूज़ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। यदि आप किसी अदर मसाले को पसंद करते तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। खसखस का पेस्ट भी अच्छे से कुक हो चुका है। अब हम इसमें एक कप पानी का यूज़ करेंगे। पानी को ग्रेवी में अच्छे से मिक्स करना है। इस तरह की सब्जी में आप पानी की क्वांटिटी को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। सब्जी को हम मीडियम आंच पर बनाएंगे। आप देख सकते हैं हमारी सब्जी में उबाल आना स्टार्ट हो चुका है। यदि आप सब्जी को ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप इस सब्जी में इस समय मलाई या बटर का यूज़ कर सकते हैं। मलाई और बटर के यूज़ करने से सब्जी बहुत ही स्पाइसी हो जाती है। हेल्थ को ध्यान में रखते हुए इन दोनों चीज़ों को हमने अवॉइड किया है। सब्जी में अच्छे से उबाल आना स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसमें दो चम्मच टोमेटो केचप का यूज़ करेंगे। टोमेटो केचप से सब्जी का जो टेस्ट है बहुत ही लजीज हो जाता है। अब हम सब्जी को दो मिनट के लिए और कुक करेंगे। हमारी सब्जी में से बहुत ही टेस्टी खुशबू आ रही है। आप देख सकते हैं हमारी सब्जी का कलर चेंज हो चुका है। दिखने में जितनी सुंदर लग रही, खाने में भी इसका टेस्ट लाजवाब होता है। हमारी काजू करी अच्छे से बन के कम्प्लीट हो चुकी है। अब हम इसमें काजू को अच्छे से सेट करेंगे। काजू को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। इस तरह की रेसिपी को आप घर पर ट्राई करके जरूर देखिए और हमें कमेंट्स करना ना भूलें आपकी काजू करी कैसी बनी है। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नई लेटेस्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय, थैंक यू। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय योरसेल्फ।